Educatius, the digital learning platform. Hello friends, namaskar. Myself S.K. Bura, labor enforcement officer, UPSC के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर का रिजल्ट यूपीएससी ने घोषित कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो कि हमारे जो एप्लीकेशन से जुड़े हुए थे, एडुकेशियस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे, जैसे कि चेतन दाजोरा हैं, विकास चौधरी हैं और अंकित हैं और ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स जो कि हमारे एडुकेशियस के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडुकेशियस के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए थे। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम के जो रिटर्न एग्जाम है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का और लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर का, तो इधर दोनों में या फिर लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के सिंगल सिंगल जो रिक्रूटमेंट है उनके अंदर क्लियर किया है। कुछ लोगों ने दोनों के अंदर क्लियर किया है, बोथ दे हैव क्वालिफाइड फॉर बोथ एएलसी एंड एलईओ। कुछ ने सिर्फ एलईओ के लिए किया है, कुछ ने सिर्फ एएलसी के लिए किया। अभी सबका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को बार बार पूछा जा रहा है बाय द मीन्स ऑफ मेल या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर यूट्यूब वीडियोज के, जिसमें हमने रिजल्ट डिक्लेरेशन का एक वीडियो बनाया था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ हमारे जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है एडुकेशियस उसके ऊपर भी कई कैंडिडेट्स के सवाल आ रहे हैं कि सर नाउ व्हाट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एएलसी और एलईओ इंटरव्यू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी, क्योंकि आपने बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे, थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए थे, उसमें से आप लिमिटेड 100 कैंडिडेट्स के अंदर से आ गए हो, और अब इस 100 कैंडिडेट से आपको, इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर एएलसी दैट मींस आप 29 कैंडिडेट्स के अंदर से होंगे, एंड इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर एलईओ लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर दैट मींस यू विल बी अमंग द सेलेक्टेड 42 कैंडिडेट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब किस वे में तैयारी को किया जाए। देखिए कैंडिडेट्स, जो आपकी तैयारी थी, जो बेसिक्स बुक्स की तैयारी थी, यूपीएससी ने उसको ऑलरेडी एनालाइज कर लिया है और उन्होंने जो कि क्रीम थी, जो कि जिन्होंने क्लियर अप किया, जिनके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी थी, जिन्होंने लेबर लॉ सेक्शन को बहुत अच्छे से कवर अप किया हुआ था बाय वट एवर मीन्स, कोई बुक से या किसी क्लासरूम कोचिंग से या फिर हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन से या फिर यूट्यूब के किसी भी चैनल से, बाय वट एवर मीन्स उन्होंने अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से की हुई थी और उसके बाद उन्होंने वो क्लियर अप किया है। अभी सवाल उठता है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैंडिडेट्स, हर कैंडिडेट का अलग अलग बैकग्राउंड रहता है, हर कैंडिडेट का एडुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग रहती है, हर एस्पिरेंट की जो तैयारी की जो समय सीमा है, कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो गया है, कईयों ने अभी तैयारी शुरू भी की थी उनका क्लियर हो गया है, या कुछ बहुत 10-12 साल से सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में लगे हुए थे बट कोई और एग्जाम नहीं क्लियर अप हो रहा था लेकिन उनका एएलसी या एलईओ के एग्जाम को उन्होंने क्लियर अप कर लिया है। तो हर एक कैंडिडेट्स के लिए जो सेट ऑफ क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पूछेगा वो बहुत ही अलग अलग वे में पूछे जा सकते हैं, हर कैंडिडेट्स के अलग बैकग्राउंड है तो उस हिसाब से उनके पास क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो बेसिकली इंटरव्यू इज इंटरनल व्यू, आपका इंटरनल व्यू देखा जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाएगा कि आपके किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो करंट का टॉपिक हो, चाहे वो लेबर रिलेटेड टॉपिक हो, चाहे वो कोई आम टॉपिक हो, सोशल इश्यूज हो, उसके ऊपर आपके क्या विचार है, उसके ऊपर आपकी क्या धारणा है, या फिर कोई सिचुएशन दे दी जाएगी कि आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड एज असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो इसमें हमने असिस्टेंट इसके रिलेटेड हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था, मैं इसके अंदर सम अप भी कर दूंगा और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आई विल गिव इट टू यू। तो आप अभी वो फॉर द टाइम बीइंग कैसे मैंने अपना इंटरव्यू टैकल किया और कैसे यूजुअली इंटरव्यूअर अप्रोच करता है यूपीएससी के इंटरव्यू के अंदर, तो आप पहले, आप अभी मैं इसके साथ सम अप कर दूंगा उस इंटरव्यू को, तो आप उसको एक बार देख लीजिए, इससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी कि
कैसे इंटरव्यू किस दिशा में जा सकता है। और इसके अलावा वन टू वन इंटरेक्शन के लिए मुझे पता है हर कैंडिडेट्स के अपने खुद के सवाल होते हैं, खुद की कोई सिचुएशंस होती हैं और वो पूछना चाहते हैं। जैसे कि मोस्टली कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि सर मैंने 10 साल या 5 साल से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मेरे को इंटरव्यूअर पूछेगा तुम 5 साल से क्या कर रहे थे, इसका क्या जवाब दूंगा, या फिर मैं डॉक्टर हूं, या फिर मेरा कोई बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है बट मैं लॉ से रिलेटेड एग्जामिनेशन मैंने दिया है, इसका क्या सवाल का क्या जवाब होगा, या फिर कुछ भी आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो लेकिन इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कल को आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम जो यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो क्या आप इस जॉब को छोड़ देंगे। सिमिलरली बहुत से क्वेश्चंस फ्रेम अप होते हैं जो कि एक इंटरव्यूअर आपसे आपके इंटरव्यू के दौरान पूछ सकता है। तो हर कैंडिडेट्स के अलग अलग मंशाएं रहेंगी, अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसके लिए मैं अपनी टीम को बोल के आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है वो अपना टेलीफोन मोबाइल नंबर आप उसके अंदर पेस्ट कर दें, लिख दें, सो दैट हमारी जो एडुकेशियस की टीम है आपसे कॉन्टेक्ट करेगी एंड विल ब्रिंग सम वन टू वन इंटरेक्शन क्लास ऑन दिस टॉपिक ऑफ हाउ टू टैकल द यूपीएससी एएलसी एंड एलईओ इंटरव्यू। इंटरव्यू बेसिकली दो टर्म से बना है। आप अगर इंटरव्यू का जैसे कि हम बोलते हैं उसको अलग अलग करके देखेंगे तो इंटरव्यू इज इंटरनल व्यू। इंटरव्यू आपके इंटरनल व्यू, आपके अंदर के क्या विचार है, आपके अंदर के क्या व्यू है, दैट इज नॉट अबाउट नॉलेज, दैट इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, आपको जाके समाज में काम करना है, सोशल वर्क करना है, ऑफिशियल ड्यूटीज निभानी है, आप कितना स्ट्रेस लेवल ले पाते हैं, आप कोई आपके आगे सिचुएशन आ जाती है उसको कैसे संभाल पाते हैं, यही होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू, जिसके अंदर आपको आंका जाएगा इन पैरामीटर्स के हिसाब से। तो बेसिकली देखा जाए तो अब आपको अपने बारे में जानना है, अपने वातावरण के बारे में जानना है, अपने सराउंडिंग्स, अपना होम स्टेट, अपनी डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से आपको एक वेल मैनेज्ड वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटी आपकी आगे प्रेजेंट करनी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो जो सेलेक्शन प्रक्रिया रहती है, इंटरव्यू की प्रक्रिया रहती है, तो आप देखेंगे कि उस प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले क्या है, जो इंटरव्यूअर बैठे हैं वो लोग बहुत ही हाईली क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट्स के, तो यहाँ पे और आपकी एज में करीबन 25 से 30 साल का डिफरेंस है, एज डिफरेंस है आपका और उनका, जो एज डिफरेंस है that is of one generation, that is around 25 to 30 years gap, तो वो gap जो है वो आपके हर aspect पे आएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको जो लैंग्वेज यूज करनी है that language has to be a very much formal way में, बहुत ही फॉर्मेलिटी से, बहुत ही फॉर्मल वे में, आपको स्लैंग्स यूज नहीं करने, आपको शॉर्टकट्स यूज नहीं करने, आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। जैसे कि आप अपने फादर से, मदर से, जो कि आपसे एल्डर्स लोग हैं, वो वहां पे तो घर में तो इनफॉर्मल बातें होती हैं, लेकिन आप कहीं भी अगर मान लीजिए यू आर वर्किंग प्रेजेंटली समवेयर एंड यू आर गोइंग इन अ मीटिंग, तो आप कैसे अपने बॉस से, जो कि आपसे एक जनरेशन बड़े ही हैं, कैसे आप अपने बॉस से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे आप अपने टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, तो वैसे ही बड़े फॉर्मली वे में दे आर हाईली क्वालिफाइड ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखना है कि यहां पे कोई इनफॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, आपको एज अ OLQs प्रेजेंट करने हैं। OLQs means officers like qualities. So the officers like qualities starts from the word, first word you speak. आप पहला word जो बोलेंगे उसी से शुरू हो जाती है कि आपका personality कैसा है, आपकी personality assessment उसी word से शुरू हो जाती है। तो first my advice is सबसे पहले आपको अपना जो verbal communication है उसको आपको बेहतरीन रखना है, उसको आपको बहुत ही फॉर्मल वे में रखना है। अगली बात जो आती है वो आती है कि आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं इंटरव्यूअर के आगे,
उसको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में बोलना है। आप अपने आप को प्रेजेंट करो और ऐसे प्रेजेंट करो कि ये नहीं है कि कोई मन मन में बोल रहा है, कोई क्लियर लैंग्वेज नहीं है। आप बड़ी स्पष्टता से बोलो, चाहे आपको आता है उनका क्वेश्चन या नहीं आता, लेकिन आप उनको स्पष्ट रूप से अपने आप को प्रेजेंट करो। अगर आपको नहीं भी आता है तो जस्ट से सॉरी सर, सॉरी मैम, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट आई डेफिनेटली लुक गो आफ्टर गोइंग होम, आई डेफिनेटली लुक आफ्टर दी ऑल द इम्प्लीकेशंस ऑफ वट एवर द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड, है ना। तो इसको क्लियरली वे में आपको उन लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। एक चीज ध्यान रखिए, यूपीएससी वो इंस्टीट्यूशन है जिसका जो रिकॉर्ड रहा है, रिकॉर्ड ऑफ इम्पार्शियलिटी इज इम्पेकेबल। यहाँ पे कभी भी कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, दैट इज जैसे कि हमारे संविधान में भी दिया गया है कि कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, मेल फीमेल, ठीक है, रीजनल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजनल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा आपको कहीं भी कुछ लोग बोल देंगे कि यार वहां पे तो अगर नॉर्थ इंडियन इंटरव्यूअर बैठअप आ गया और आप साउथ इंडिया से हो तो वो आपको कम मार्क्स देगा, या साउथ इंडियन इंटरव्यूअर बैठअप मिल गया और आप नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हो तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं है। The impartiality of UPSC is beyond many levels, है ना। तो वो उसको हम उसको हम उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। तो आपको ऐसे जो भी rumors हैं, ऐसे जो भी तर्क वितर्क देने वाले लोग रहते हैं, आपको इस समय पे उनसे दूर रहना है। सिर्फ आपको पॉजिटिव लोगों के बीच रहना है और पॉजिटिविटी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर दिखनी चाहिए। पॉजिटिविटी ये नहीं है कि बस उस दिन आप कुछ भी जाके बोल दो। बिलीव मी, एक चीज मानिए, आप अगर वहां पे सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए एक झूठ भी बोलेंगे, उनको क्लियरली पता चल जाता है दैट ही इज लाइंग टू अस, और उनको पहले ही झटके में सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर पता चल जाएंगी कि ये जस्ट For the sake of interview, he is using such lines. तो आपको कभी भी वहां पे गलत facts, झूठे facts present नहीं करने हैं interviewer के आगे। आपको सदा जो भी सही रहा है, जो भी fact रहे हैं, आपको सच ही बोलना है। उसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू को कैसे प्रोसेस करना है। कई बार होता है कि आप जाएंगे, आप इंटरव्यू में बैठ गए, हाँ जी पूछो सवाल, वो एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपने उसका जवाब दे दिया यस, दूसरा पूछेंगे नो, यस नो, नहीं, ऐसे आपको कभी प्रेजेंट नहीं करना। आप कोई भी वो क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में एटलीस्ट एक या दो लाइन आपको बोलनी ही बोलनी है। आपको यस नो, यस नो, नो यस करोगे, वो 5-10 मिनट में वो कहेंगे कि ठीक है, ही जस्ट केम हेयर फॉर फॉर्मेलिटी, और वो बोलेंगे ओके थैंक यू जेंटलमैन, यू मे लीव नाउ। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक इंटरेस्ट दिखाना है, आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो वो आपके इंटरव्यू में इंटरेस्ट दिखाएंगे। और जैसा कि मेरा चला था, करीबन 45 मिनट्स तक मेरा इंटरव्यू वहां पे हुआ था। वहां पे बहुत सारे पैनल में ऑफिसर्स थे, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स थे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से भी ऑफिसर थे, तो आपको एक महिला ऑफिसर भी थी, एक आपके पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए भी बैठे थे। तो काफी लोग वहां पे बैठते हैं और अलग अलग फील्ड से रहेंगे। जो चेयरमैन थे मेरे, वो उन्होंने शुरुआत की थी, शुरू में सभी के वो चेयरमैन साहब शुरुआत करते होते हैं क्वेश्चंस की, और आपको ऐसा दिखाना है कि वो आपके जो आंसर्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चन निकाले। मैन्यूअर योर इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, है ना। आपको अब उस इंटरव्यू को मैन्यूवर करना है, खुद लेके जाना है दिशा में। जैसा कि एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, यूजुअली हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो यूजुअली इंटरव्यू में क्या रहता है, यूजुअली आप रहेंगे कि आप पहले ही नर्वस रहते हैं, सबसे बड़ी बात तो, और नर्वसनेस रहेगी तो आपको जाते टाइम ये कि हाँ हाँ गुड मॉर्निंग भी बोलना था, गुड आफ्टरनून बोल, कहीं मैं गुड मॉर्निंग की जगह आफ्टरनून तो नहीं बोल गया, आफ्टरनून की जगह गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल गया, बैठने के लिए पूछा नहीं पूछा। तो आपको सबसे पहले तो काम रहना है, दो वो नहीं रह पाता, आदमी का नेचर रहता है कि वो नहीं रह पाता। फिर भी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखानी है। आपको स्टार्ट करेंगे, जैसे आपको वहां पे रेड और ग्रीन लाइट रहती है, जैसे ही ग्रीन लाइट रहेगी सिग्नल आएगा कि आप जा सकते हैं, वहां पे प्रोसीड कर सकते हैं, आपको नॉक करना होता है, उसके बाद आप पूछिए कि मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर, जो भी बैठे हैं पीठ पर, और उनको जाके पूछ के वहां पे जाके आप डायरेक्टली, ये नहीं कि चेयर खिसका के बैठ गए, वहां पे जाके खड़े हो जाइए, सभी को
जो भी है, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, व्हाट एवर द केस में भी, सभी के साथ आई कॉन्टेक्ट करके आपको ग्रीट करना है. और उसके बाद जैसे ही वो परमिट करें, देन यू शुड गो फॉर सिटिंग ऑन दैट चेयर. तो और उसके बाद थैंक यू मैम, थैंक यू सर, व्हाट एवर द केस में भी. तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी, ये नहीं कि वहां पे आप चले जा रहे हो, थोड़ा सा नर्वसनेस ज्यादा है, जाते ही बैठ के हाँ जी पूछो, तो ऐसे नहीं होता. आपको बहुत ही फॉर्मल वे में चीजों को प्रोसीड करना है. अभी यूजुअली क्या रहता है, सभी के पास यहां तक क्वेश्चन आया रहता है कि वो जाते ही पहला ही क्वेश्चन जो कि यूजुअली पूछते भी हैं, कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ. तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मेरा भी ऐसे ही केस था. आई वॉज ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछेंगे, तो यहां तक आंसर आ रखा था कि मैं शुरू हो जाऊं. बस वो उन्होंने बोला कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ और मैं शुरू हो जाऊं. यस आई एम सो एंड सो, माई फादर नेम इज सो एंड सो, ही इज वर्किंग देयर, आई एम पर्सुइंग दिस, आई एम पर्सुइंग दैट, आई हैव परस्यूड दिस, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, सो एंड एंड सो फोर्थ. तो ये शुरू हो जाऊं, जबकि ऐसा नहीं रहा. मेरे यहां तक वो आंसर आ रखा था, बट क्वेश्चन जो फायर हुआ मेरे ऊपर, दैट वॉज दैट, ओके मिस्टर बुरा, टेल मी व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज. तो दैट वॉज कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम विच एवरीवन आस्क्ड. तो मेरा यहां से आया हुआ नीचे गया, दूसरा वापसी आया, तो यहां पे आया कि ओके. तो उस टाइम मैं मेरे फादर साहब की बिजनेस के अंदर हेल्प करता था अलोंग विद माई स्टडीज. तो बस मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को यही चाहिए था, इंटरव्यू में आपके पास एक पॉइंट आएगा जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए. अगर आपने वो पॉइंट पकड़ लिया, तो आप उस इंटरव्यू को खुद ही मैन्यूवर करेंगे, खुद ही ड्राइव करेंगे, और उस इंटरव्यू को आप लंबे तक ले जा सकते हैं. कभी भी ये मत सोचिए कि मेरा इंटरव्यू छोटा होना चाहिए, 15 मिनट का इंटरव्यू खत्म निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए. आप उस इंटरव्यू को जितना लंबा हो सके, जितना इंटरेस्टिंग हो सके, उसको बनाना है. तो मेरा आंसर ये था कि सर, करंटली आई एम हेल्पिंग माई फादर इन हिज बिजनेस ऑफ फर्टिलाइजर इन इंप्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ GST, that is goods and service tax, and also helping him implementing the provision of MFMS, to mobile based fertilizer monitoring system. तो ये मैं थोड़ा सा ज्यादा तेज बोला, so that कि एक ये interest बने कि ये क्या होता है. तो similarly, chairman sir said, okay GST तो we know. What is this that next term which you said? So I told him, sir, it is MFMS. Mobile based fertilizer monitoring system. It is a direct benefit transfer scheme. And then I started telling that essay on what mobile based fertilizer system, direct benefit transfer, Aadhaar link honge, wo bhi jo bhi direct subsidy kyun banaya ja raha hai, kyunki rationalization of subsidy karna hai. To jitna UPSC mein gyan arjit kiya tha, us ek questions ke piche de diya sara. To sara un logo ko de diya. Uske baad bole okay fine. To matlab baat kahan chali gayi? क्वेश्चन था, पेपर था लेबर मिनिस्ट्री का, पोस्ट थी लेबर मिनिस्ट्री की, लेकिन बात चल गई फर्टिलाइजर की तरफ, क्योंकि वो मेरे फादर साहब का बिजनेस है. तो फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री पे बात चली गई. तो फर्टिलाइजर किस टाइप के होते हैं, यूरिया कैसी होती है, DAP क्या, पोटास क्या, कहां से इंपोर्ट करते हैं, कहां हम एक्सपोर्ट करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी क्यों जरूरी है, क्या लूप होल्स हैं. तो इस तरह से मेरा हाफ ऑफ द इंटरव्यू वाज ऑन दिस फर्टिलाइजर ओनली. तो फर्टिलाइजर पे मैं मैन्यूवर करके लेके गया और वो वहीं चला गया. सही, जो तीर जो मेरे को बुलसाई हिट करनी थी वो हिट की. और ये एक्चुअली मेरा पेरेंटल बिजनेस है, तो आई वाज वेल वर्स्ड विद एवरी इंच ऑफ दिस बिजनेस. तो मैं उसको, क्योंकि वो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर भी रह चुके थे दिस जो हमारे चेयरमैन साहब थे, तो उन्होंने भी, अब एम्बेसडर रहेंगे तो कहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहता है, तो उनकी नॉलेज में रहती हैं चीजें. तो ये इस तरह मैं अपने इंटरव्यू को लेके गया. उसके बाद मेरे से दूसरे मेंबर्स ने फिर लेबर लॉज के क्वेश्चन आए. वहां पे एक महिला बैठे थे, महिला मेंबर थे, तो मुझे पता था ये जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, दैट वॉज ऑलरेडी इन माई माइंड की मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मैडम पूछेंगे ही पूछेंगे. तो वहां पे रिसेंट अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का क्वेश्चन आ चुका था. तो जो क्वेश्चन आया उसमें से कुछ अमेंडमेंट मैं बता पाया, एक अमेंडमेंट मुझे ध्यान नहीं था. तो आई सेड सॉरी मैम,
आई डोंट नो दैट. तो इंटरव्यू आपको अपने हिसाब से ही मैनवर करना है, अपने हिसाब से ही प्रोसीड करवाना है. कई बार क्या होता है, एक ह्यूमन पर्सनैलिटी रहती है कि जो क्वेश्चन हमें आ रहा होता है हम उसका उनके क्वेश्चन शुरू खत्म होने से पहले ही आंसर देना शुरू करने लग जाते हैं. जैसे कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, मान लीजिए व्हाट इज जीएसटी, तो उनका पूरा क्वेश्चन हुआ ही नहीं था और आप शुरू हो गए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इंप्लीमेंटेड बाय दिस डीए, व्हाई इट वाज ब्रॉट, व्हाई, व्हाट आर द इंप्लीकेशंस, ये आप शुरू हो गए, जबकि जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया था. तो आपको कोई भी जवाब नहीं देना है, आप पहले सुनो, 5 सेकंड का पॉज लीजिए, आप उसके बारे में अपने फैक्ट्स रिकलेक्ट कीजिए एंड देन आंसर दैट इन अ वेरी क्रिस्टल क्लियर वे और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल और टू द पॉइंट बात करके आपको वो उसका आंसर उन लोगों को प्रोवाइड करवाना है. ठीक है, तो ये आपके बहुत ही जरूरी जरूरी जो एस्पेक्ट रहते हैं वो आपको देखने हैं. कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बहुत ही जहां पे यूज ऑफ माइंड देखा जाता है, तो आपको बिल्कुल ओपन माइंडेड रहना है. उस समय दुनिया की कोई भी चिंता है आप उसको भूल जाइए, घर पे कोई बीमार है या कहीं कोई और इश्यू हो गया है, अभी उस टाइम को सिर्फ और सिर्फ आपको अपने इंटरव्यू पर फोकस करना है. सिर्फ वो 40-50 मिनट जो भी या 30 मिनट जो भी आपको उस रूम में रहने हैं, ये समझिए कि आज इस रूम से मुझे अपनी जॉब सिक्योर करके जानी है, क्योंकि ये आपका लास्ट और फाइनल पड़ाव रहेगा यूजुअली इस एग्जाम का, क्योंकि इसके बाद तो डायरेक्ट फाइनल मेरिट लिस्ट ही आएगी. तो आपको बिल्कुल बड़े ही कॉन्फिडेंट वे में आपको पहले पूरी जो उन्होंने मांगी होती है, प्री रिक्विजिट्स होते हैं वो कवर अप करने होते हैं, जो डीएफ फॉर्म होता है या फिर फोटोज मंगवाई होती है, तो 4 सेंटीमीटर x 4 सेंटीमीटर की फोटो होने चाहिए. मेरे से जो पहले कैंडिडेट थे बेचारे वो समझ नहीं पाए, एनजाइटी में 4 इंच x 4 इंच की इतनी बड़ी फोटो लेके आ गए थे. तो इस टाइप से जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो यूपीएससी ने बोला गया है कि आपको ऐसे आना है, इस ड्रेसिंग सेंस में आना है, ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है आपके, अगर आप जेंट हैं तो वेल ड्रेस्ड अप होने चाहिए, सूट ब्लेजर, ठीक है, और प्रेस्ड कपड़े होने चाहिए, उसके बाद शूज मैचिंग के होने चाहिए, सॉक्स ओड कलर की नहीं होने चाहिए, वेल पॉलिश शूज होने चाहिए, वेल कॉम्ब्ड हेयर्स होने चाहिए, ये सब बहुत ही आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होते हैं. ऐसे ही महिलाओं के लिए आपको साड़ी बोला होता है, जो भी कलर वहां पे मेंशन रहेगा आपको उस साड़ी के अंदर जाना है, और कुछ ऐसी चीजें एक्सपेंसिव, कई लोग एक्सपेंसिव वॉच पहन लेते हैं, तो ये चीजें वहां पे शो ऑफ करने नहीं जा रहे आप गो लाइक अ जेंटलमैन एंड देन अपियर फॉर दैट इंटरव्यू. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं. डिटेल जो कवरेज रहेगा, क्या क्या प्रिपेयर करना है आपको, कैसे प्रिपेयर करना है, तो आई थिंक वो हर आदमी के लिए हर एस्पेक्ट अलग अलग रहता है, क्योंकि सभी का अलग अलग बैकग्राउंड है, जो रहने का बैकग्राउंड अलग है, स्टेट अलग है, आपने पढ़ाई जो की, एडुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, उसके बाद प्रिपरेशन बैकग्राउंड अलग है, तो वो एक क्यूमुलेटिव वे में मैं यहाँ पे आपको सभी चीज नहीं बता पाऊंगा. दैट कैन बी डन ऑन 1-to-1 इंटरेक्शन बेसिस. तो अवर टीम इज वर्किंग ऑन दैट कि कुछ 1-to-1 इंटरेक्शन सेशन हम रखें, सो दैट आपके जो डाउट्स हैं आपके कि कैसे प्रिपेयर करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, आपके बैकग्राउंड के, आपके एडुकेशनल बैकग्राउंड के, कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, क्या परफेक्ट आंसर देना चाहिए, ये मुझे नहीं पता, हॉबीज से रिलेटेड. तो ये 1-to-1 इंटरेक्शन में, क्योंकि हजारों हॉबी रहती हैं, हजारों बैकग्राउंड रहते हैं, एडुकेशनल बैकग्राउंड, तो हम आज इस समय पे वो डिस्कस नहीं कर पाते. तो आई एम आस्किंग माय टीम की एक 1-to-1 इंटरेक्शन सेशन अगर कोई हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है एडुकेशियस उस पे कंडक्ट हो सकता है, तो वी विल लुक इनटू दैट, अदरवाइज वी विल लेट यू नो व्हाट एवर द लाइव क्लास और सम ऑफलाइन क्लासेस वी विल हैव इन दिल्ली. तो आई लेट यू नो अबाउट दैट, यू कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन इन द चैट सेक्शन ऑफ द एडुकेशियस ऐप. And prepare well, start preparing from today only, because competition is great, but believe me, if you will prepare in an honest manner, be honest with you, be improve your personality, assess your preparation, and you will come out with flying colors. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.